गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ड्रेस मटेरियल का हॉल, जो आप फेस्टिवल में भी वेयर कर सकते हो, वेडिंग में भी वेयर कर सकते हो, इवन पूजा वगैरह होती है छोटी मोटी घर में, या आप न्यूली मैरिड हो तो भी आप वेयर कर सकते हो, वो टाइप के है। और सारे के सारे बहुत ही अच्छे है, अफोर्डेबल प्राइस में है। सारों की जो बाइंग लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो जाके डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ये सारे जो है मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे हॉल्स किए हैं। अगर आप मेरी चैनल पे न्यू है तो जाके चेकआउट कर सकते हो, सारे मोस्टली मेरे रिक्वेस्टेड वीडियो होते हैं। आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे भेज सकते हो, डेफिनेटली पूरा करने का ट्राई करूंगी। और दूसरी बात कि मेरी चैनल पे जो है वो गिव अवे ऑन है, अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाके वो भी चेकआउट कीजिएगा। अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी लगे कि हाँ हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके इतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। सबसे पहला जो ड्रेस मटेरियल है वो इस तरह का है, ये गोटापत्ती वर्क वाला है और बहुत ही हैवी है। मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। कॉटन सिल्क, आर्ट सिल्क वाला जो फैब्रिक आता है वो टाइप का है। इसका नेक बहुत ही हैवी है और जैसा पिक में था वैसा ही रियल में है। मैं आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। मुझे इस टाइप का मटेरियल मुझे फ्लिपकार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा है। अमेजोन का कलेक्शन वो बहुत ही अच्छा होता है कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट में मुझे ड्रेस मटेरियल इतने अच्छे नहीं लगे, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन ड्रेस मटेरियल की बात करते तो अमेजोन पे बहुत ही अच्छे होते हैं। क्लोजअप में देखते हैं तो इस तरह की गोटापत्ती वाला वर्क किया गया है इसके अंदर, बहुत ही प्यारा है। खाट वर्क भी किया गया है, गोटापत्ती भी है, पूरा गोल्डन वर्क किया गया है। तो इसके साथ आप अगर गोल्डन ज्वेलरी पेयरअप करोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। पूरा नेक जो देखते हैं आप तो हैवी है इस तरह का, और मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अंदर आप देखोगे तो बीड्स भी है व्हाइट कलर के, और पूरा जो है वो मतलब गोल्डन वर्क ही है, कोई अलग कलर नहीं है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ऑल ओवर कुर्ती में, मतलब की टॉप में ऐसे गोटापत्ती वर्क छोटे छोटे जो है वो किया गया है, इसकी वजह से इसका लुक हैवी आता है और आपकी पूरी जो कुर्ती है टॉप जो बोलते हैं वो हैवी हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ हम जैसे जाते हैं देखते हैं तो इस तरह का है पूरा। ये फ्रंट साइड है इसकी, बैक साइड भी है, पूरी दी हुई है। आपको सिर्फ लाइनिंग लेनी पड़ेगी इसके लिए, अदरवाइज ये बैक साइड भी है फ्रंट साइड भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे स्टिच करवाना चाहते हो वैसे करवा सकते हो। तो बहुत ही प्यारा है, मेरी तरफ से यस है इसको। इसके साथ जो दुपट्टा आया है वो भी इतना ही प्यारा है, इस तरह का है, ऑरेंज कलर का है, बांधनी प्रिंट में है और रानी बॉर्डर वगैरह लगाई गई है। क्लोजअप में हम देखते हैं तो इसमें देखोगे यहाँ पे आप तो गोटापत्ती वर्क किया गया है और साथ में ही रानी पिंक कलर है, गोल्डन बॉर्डर है। पूरा दुपट्टा जो है इसका लुक हैवी हो जाता है, बॉर्डर ही इतनी हैवी है तो इस तरह की है। और इसका फैब्रिक भी आर्ट सिल्क या ऐसा बोलते हैं वो टाइप का है, हैवी वाला। चारों तरफ ऐसी बॉर्डर लगाई गई है और बीच में से पूरा प्लेन है, लेकिन बांधनी वाली प्रिंट दी गई है। तो आपको पता ही है बांधनी भी एवरग्रीन है, उसका भी ट्रेंड जो है वो कभी जाता नहीं है, आप चाहे कभी भी पहन लो 5 साल बाद 10 साल बाद, तो ये भी एक एवरग्रीन है। और इसको आप प्लेन अनारकली लहंगा इसके साथ भी पैरअप कर सकते हो, मैं हर बार बताती हूँ आपको, तो बहुत प्यारा लुक आएगा। दुपट्टा ही इतना हैवी है इसका, टॉप भी इतना हैवी है, इसमें सलवार नहीं है, आपको लेना पड़ेगा या अदरवाइज आप लेगिंग्स वगैरह आप भी पहन लोगे तो भी चलेगा, आपके पास कॉन्ट्रास्ट कलर की होगी तो आपको अलग से स्टिच नहीं करवाना पड़ेगा। तो इस टाइप का लगता है, बहुत ही प्यारा है। तो मेरी तरफ से ये फर्स्ट वाली जो पैर है उसके लिए बिग थम्स अप है। और साथ में आज मैंने जो है वो अलग थोड़ा सा लिया है, गोटापत्ती तो लिया ही है लेकिन थोड़ा अलग है, वो आगे आएगा। दूसरा जो है वो ये है बेज गोल्डन कलर, जो बेज कलर जो होता है, गोल्डन नहीं बेज कलर उसमें है, और बहुत ही प्यारा है। खोल के आपको दिखाती हूँ, इस तरह का है बेज कलर का, और इसके अंदर भी ऐसा ही गोल्डन एंड डार्क गोल्डन एंड लाइट गोल्डन वाला गोटापत्ती वर्क और खाट वर्क किया गया है। यहाँ पे स्टोन वगैरह लगाए गए हैं, यहाँ पे बीड्स है, पिंक थ्रेड वर्क है, जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही हैवी आता है, बहुत ही हैवी आता है। आप क्लोजअप में देखिए, बहुत प्यारा है।
इस तरह का लगता है, बहुत ही प्यारा है। इसका नेक बहुत हैवी है और बेज कलर है, ऊपर से गोल्डन कलर का वर्क किया गया है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है। इसका भी फैब्रिक जो है वो कॉटन सिल्क टाइप का है, शाइन भी कर रहा है आप देख सकते हो, तो ये हैवी है, आप कहीं पे भी इसको पहन सकते हो। और इसमें भी देखोगे आप तो ऐसे ही यहाँ पे छोटे छोटे से गोटा पत्ती वाले फ्लावर ऑल ओवर कुर्तीज में टॉप में जो है वो लगाए गए हैं, तो फ्रंट साइड जो आपकी होगी वो पूरी हैवी हो जाएगी इसकी वजह से। और दूर से हम देखते हैं तो इस तरह का लगता है ऊपर से नीचे तक, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। ये कलर भी अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा है, ये आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो पूजा वगैरह में, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। बैक साइड का फैब्रिक भी इस तरह का दिया गया है, आपको सिर्फ लाइनिंग ही लेनी पड़ेगी। बाकी कलर कॉम्बिनेशन देखते हो तो बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ जो दुपट्टा आया है वो रानी पिंक कलर का आया है, बांधनी प्रिंट है, गोल्डन बॉर्डर वगैरह है, जिसकी वजह से इसका लुक हैवी आता है। आर्ट सिल्क टाइप का फैब्रिक, बहुत सॉफ्ट वाला है, बिल्कुल भी चुभेगा नहीं और बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है। आपको खोल के दिखाती हूँ, रानी पिंक कलर का है, गोल्डन बॉर्डर लगाई गई है गोल्डन एंड रानी कलर की। यहाँ पे ग्रीन कलर की पाइपिंग है, यहाँ पे व्हाइट कलर के बीड्स लगाए गए इन शॉर्ट की, और जैसा पीक में था वैसी ही क्वालिटी आई है, बिल्कुल भी चीप वाली नहीं आई। यहाँ पीक में कुछ और था और रियल में कुछ और आया है, ऐसा भी नहीं है। दूर से देखते तो इस तरह का है, रानी पिंक कलर है, पूरा बांधनी प्रिंट है व्हाइट कलर का, तो बहुत प्यारा लगता है। और चारों तरफ ऐसी गोल्डन बॉर्डर लगाई गई है इस तरह की, तो दुपट्टा भी इतना ही प्यारा है जितना कि इसका सलवार था। और बेज और गोल्डन का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी तरफ से ये वाले ड्रेस मटेरियल के लिए भी बिग थम्स अप है। गोटा पत्ती वाला और बांधनी प्रिंट के दुपट्टे वाला तो आपने देखा, लेकिन एक इस बार जो मैंने है एक न्यू ट्राई किया है, तो जिसमें आया है बनारसी दुपट्टा, गोटा पत्ती वाला टॉप तो है ही, लेकिन उसके साथ बांधनी जो दुपट्टा आता है उसकी जगह पे आया है बनारसी दुपट्टा। मुझे पिक बहुत ही पसंद आया था तो इसलिए मैंने बाय किया, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरा, ये येलो कलर का है, गोल्डन येलो टोन जो आता है वो वाला, और इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन सिल्क वाला है, चंदेरी सिल्क टाइप का जो आता है आई थिंक वो है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है लेकिन ऐसा ही है। और शाइन भी कर रहा है। इसका नेक देखते तो ऐसे राउंड नेक दिया गया है, और इसमें देखोगे आप तो गोटा पत्ती गोल्डन एंड पिंक वाला वर्क किया गया है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही हैवी आता है, और मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है इसका। यहाँ पे देखते तो गोटा पत्ती वर्क दिया गया है, पिंक वाला जो थ्रेड वर्क आता है वो दिया गया है, और पूरा हैवी हो जाता है नेक। दूर से देखते हैं हम तो इस तरह का लगता है। नीचे की तरफ हम जाएंगे, इसमें आप गोल्डन ज्वेलरी पैरअप करोगे, पिंक कलर की अभी तो आती है तो वो पैरअप करोगे तो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। इसमें नीचे जाते तो ऐसे फ्लावर्स वाले ऑल ओवर कुर्ती में दिए गए हैं, तो पूरी कुर्ती जो है पूरा टॉप जो है आपका हैवी हो जाएगा इस तरह का, ऊपर से नीचे तक इस तरह का लगता है, बहुत ही प्यारा है। ये भी बहुत ही अच्छा है ड्रेस मटेरियल, पीक था वैसा ही रियल में आया। बैक साइड में पूरा प्लेन है, आपको लाइनिंग अलग से लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा है, ये मस्ट बाय है। और पूजा वगैरह होती है या वेडिंग वगैरह होते हैं इसमें तो ये वाला कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये टॉप है इसका, और इसके साथ मैंने जैसे आगे ही बताया कि बनारसी दुपट्टा लिया है मैंने, मतलब बनारसी दुपट्टे के साथ था तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ कैसा आता है क्वालिटी वगैरह, और पीक में था वैसा ही रियल में। तो इसका दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा है, ऐसे सिंगल दुपट्टे 800-1000 के आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे, इवन लोकल मार्केट में भी 500 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारा पूरा पैर में आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। ये रानी पिंक कलर का है, गोल्डन बनारसी जाली वाला दुपट्टा है, पूरा खोल के आपको दिखाती हूँ। ऐसे साइड में देखते तो ऐसे टैसल वगैरह जो आते हैं वो है, और पूरी जो देखोगे आप तो गोल्डन जाली जैसा है बनारसी जो दुपट्टे में प्रिंट आती है,
वो सेल्फ प्रिंट बोलते हैं उसको या क्या बोलते हैं मुझे इतना नहीं पता। ऊपर से नीचे तक इस तरह का लगता है, लंबा भी है चौड़ा भी है, बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा आपको। इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है, जैसा मैंने बताया कि ऐसा आप सिंगल लेने जाओगे तो भी आपको 800 या 1000 तक में पड़ते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी 500 तो मिनिमम चलते हैं। मुझे पता है, मैंने ऑफलाइन भी प्राइस देखा है, मैंने बाय भी किया हुआ है, तो मुझे पता है कि लोकल मार्केट में भी आपको ऐसे 500 तक के ही मिलेंगे, उससे कम रेट में नहीं मिलते हैं। तो ये वाला आप जो है वो प्लेन अनारकली के साथ या लहंगास के साथ भी आप पहन सकते हो, वो टाइप का है। तो दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा है, तो मुझे दोनों अच्छे लगे, इसमें सलवार नहीं आया। जनरली पता नहीं सलवार ये लोग नहीं देते हैं, टॉप का देते हैं और दुपट्टे का ही देते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास ट्राउजर पड़ा हो इस कलर का, आप पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का, या लेगिंग्स हो तो भी आप पैरअप कर लोगे, तो आपको अलग से सलवार जो है वो स्टिच नहीं करवाना पड़ेगा, तो उसके जो पैसे है वो बच जाएंगे। तो मुझे तीनों जो पसंद आया, येलो वाला जो है थोड़ा अलग था तो ज्यादा पसंद आया है, और तीनों की क्वालिटी देखते हैं तो बहुत ही अच्छी है। आप आंख बंद करके ले सकते हो, बिल्कुल भी चीप नहीं है। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है तीनों को। आपको कौन सा वाला ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।